Hello everyone and welcome to Simplify CCC Computer Fundamental Training Video Series में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंतरा, आपकी ट्रेनर, और यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी चैप्टर के बारे में, जहाँ हम जानेंगे आज कि फाइनेंशियल लिटरेसी आखिर होता क्या है और इससे हम क्या समझ सकते हैं और ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं, एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी आखिर होता क्या है। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हम इसे कह सकते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसी जानकारी है जो हर एक को अपने इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीज़न यानी पैसों से संबंधित कोई भी डिसीज़न लेने के लिए मदद करती है। इसके लिए क्या होता है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कंप्यूटर और स्मार्टफोन के आने से और ज़्यादा बढ़ गई है, और ज़्यादा यूज़फुल हो गए हैं ये, और ज़्यादा चर्चित हो गए हैं स्मार्टफोन और कंप्यूटर के आने से, क्योंकि इन्हें यूज़ करना और इतना आसान हो गया है। हमें हर चीज़ के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को कंप्यूटर और स्मार्टफोन के इन्वेंशन के बाद और ज़्यादा इम्पैक्टफुली यूज़ होने लगे। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो हमारे स्मार्टफोन में आजकल मोबाइल बैंकिंग हो गई है, हम मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल घर बैठ के कर सकते हैं, जिसमें बैंक की हर सुविधा, हर जानकारी हम घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्मार्टफोन के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू। हम एक जगह से दूसरे जगह पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता, उसी वक्त वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है और हमें मैसेज के थ्रू उसकी जानकारी भी हो जाती है कि हाँ आपका पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। या बात करें हम बिल पे करने की, हम घर बैठे ही अपना हर बिल पे कर सकते हैं, बिजली का, अपने घर की, अपने गैस का, हम किसी का भी बिल, फ़ोन का, सारे बिल हम जो है वो पेमेंट कर सकते हैं उसकी घर बैठ के। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप इसके बाद भी देखें तो सबसे अच्छा जो कंप्यूटर का यूज़ हुआ है वो है ATM। ATM ने हमारी काफ़ी सारी परेशानियों को हल कर दिया है। हमारा बैंक में घंटों के हिसाब से लाइन में लगने का काम भी इसने आसान कर दिया है, हमारा टाइम बचाया है और उसी वक्त पैसे भी प्राप्त करवाए हैं। मतलब हमें कभी अगर अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो ATM जो है, ATM मशीन जो होती हैं वो 24 घंटे खुली रहती हैं, हम कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम फाइनेंशियल लिटरेसी को डिटेल में पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है और क्या क्या और सर्विसेज होती हैं बैंक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आखिर हमें बैंक की ज़रूरत है ही क्यों। चलिए इसके कुछ रीज़न्स जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला रीज़न जो हमारे दिमाग में आता है कि पैसों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कब पड़ती है, जब कोई इमरजेंसी आ जाए। तो इमरजेंसीज़ में हमें अपने पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए हमें पैसों की सेविंग्स यानी बचत करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि इमरजेंसी आप कह सकते हो कि हेल्थ इशू इमरजेंसीज हो जाती हैं, जैसे आपके फैमिली में किसी को अचानक से कोई हेल्थ इशू हो गया है, कोई बीमार हो गया है, किसी को कोई बड़ी बीमारी आ गई है, तो आप अचानक से इतना सारा पैसा नहीं ला सकते, तो उसके लिए आप बैंक से मदद ले सकते हैं, या आपने बैंक में अगर अपने पैसे को बचाया है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं इमरजेंसी ट्रिप पे जाना पड़ गया, कोई ट्रिप अचानक से प्लान हो गई, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। या अचानक भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अचानक से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिन्हें हम जिन्हें एकदम से फेस नहीं कर पाते, हम रेडी नहीं होते हैं, तो बैंक आपको मदद करता है कि आप उन ऐसी सिचुएशंस के लिए रेडी रहें बाय फाइनेंशियली। हाउस ब्रेक से हम समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनमें हमारे घर को नुकसान हो जाता है, तो उसकी मरम्मत के लिए हम वो पैसा यूज़ कर सकते हैं। या किसी की मैरिज है, जो अनप्लान मैरिज है, मींस अचानक से डिसाइड हो गया कि उसकी मैरिज है, तो एक इतनी जल्दी पैसे अरेंज नहीं हो पाते हैं, हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, हम उनमें उस मैरिज में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं,
तो उस उन सब सिचुएशंस में ये सारी इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिनके लिए हमें अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए आप बैंक की सेविंग्स सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो लार्ज एक्सपेंसेस मींस कि जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस होते हैं हमें जो बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी लेकिन हमें पता पहले से है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको अगर घर खरीदना है, आप अभी नहीं खरीद सकते हो लेकिन आपको खरीदना है, बाद में खरीदना है, तो उसके लिए आप पैसे इकट्ठे कर सकते हो। कोई व्हीकल लेना है या आपको कोई बड़ी चीज़ जैसे बंगलो लेना है या आपको कहीं ज़मीन लेनी है या आपको सोना खरीदना है या सोने के जेवर खरीदने हैं, गोल्ड ज्वेलरीज खरीदनी है, तो इन सब चीज़ें ये सब चीज़ें क्या होती है, ये हमारी नीड है लेकिन हमारी ये लॉन्ग टर्म नीड्स हैं, मतलब अभी हमें नहीं चाहिए लेकिन हाँ हमारा एक व्यू है कि हाँ हमें एक फ्यूचर में ये चाहिए होगा, तो इसके लिए आप साइड में एक सेविंग्स कर सकते हो। तो ये दो रीजंस हुए कि हमें सेविंग्स क्यों करनी चाहिए और हमारे लिए ये ज़रूरी क्यों है। इसके अलावा हम फ्यूचर नीड्स के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको कहीं वर्ल्ड टूर पे जाना है या आपको कोई एक्सपेंसेस ऐसे करने हैं जो आप अपनी जॉब या बिजनेस के टाइम पे आप नहीं कर पाए लेकिन आप रिटायरमेंट के बाद उसके बारे में सोचना चाहते हैं, तो आप उसके लिए पैसे सेव कर सकते हैं। आपको घर शिफ्ट करना है, आपको घर लेना है, तो आप उसके लिए सेव कर सकते हैं। आपको कोई कार लेनी है, कोई डिज़ायर कार है आपकी जो आप चाहते हो कि इन फ्यूचर हम लेंगे, कभी ना कभी ज़रूर लेंगे, तो उसके लिए आप पैसे सेव कर सकते हो। आप अपने एजुकेशन में या अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए इकट्ठा कर सकते हो, जैसे कि कोई मिडिल क्लास फैमिली है तो उनके अगर बच्चे हैं तो जब तक वो पढ़ने लायक हो तब तक वो पैसा इकट्ठा हो जाए, इससे हमें आगे दिक्कत ना आए, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। आप डेब्ट से बचने के लिए भी उन पैसों का यूज़ कर सकते हो। डेब्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने किसी से कोई चीज़ खरीदी लेकिन आपके पास उस वक्त पैसे नहीं थे, तो आपने कोई चीज़ गिरवी रख दी, अब आप उसके देनदार हो गए कि आपको उसे देना है तब वो आपकी चीज़ वापस करेगा। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आपके पास बाई साइड अगर कुछ पैसे हैं तो आपको कभी भी किसी चीज़ को गिरवी नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी फ्यूचर नीड्स होते हैं जिनको हम फुलफिल कर सकते हैं अपने बैंक सेविंग से। और इनके अलावा एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न होता है कि कैश जो है वो हम घर पर नहीं रख सकते, कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। नॉर्मल अमाउंट हम रख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला और सिंपल जो रीज़न है वो है कि ये अनसेफ होता है। सेफ इसलिए नहीं होता है क्योंकि इतना सारा अमाउंट जो होता है अगर हम घर में रखेंगे तो किसी की भी नीयत फिसल सकती है, या मैं कहूँ कि चोरी होने का डर रहता है। यही नहीं कि आप घर में हैं तभी चोरी हो, आपके घर में होते हुए भी चोरी हो सकती है, किसी ऐसे बंदे की नज़र पड़ जाए जिसे वो पैसे ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है, तो वो उस वक्त कुछ नहीं सोचेगा और मतलब उसको चोरी होने की हो जाएगा, चोरी हो सकता है, या आप अनसेफ इन चोरों से ही नहीं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कभी कभी कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जिनमें हमारे घर को नुकसान हो जाता है, तो जब घर ही नहीं रहेगा तो घर में रखा कैश कैसे बचेगा, आग लग जाए या जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है तो उसमें घर टूट जाते हैं, तो उसमें पैसों का भी नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे ग्रोथ की कोई भी उम्मीद नहीं होती है कि आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन अगर आप बैंक में रखते हो तो उसमें इंटरेस्ट के तौर पे आपकी बढ़ोतरी के चांसेस होते हैं, आपके पैसे को बढ़ाया जा सकता है। जैसे आपने एक फिक्स डिपॉजिट किया है कि हम मुझे 2 साल के लिए ये पैसे रखने हैं बैंक में और 2 साल के बाद में बैंक से ले लूँगा, ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है, तो बैंक आपको उनकी सर्विस को यूज़ करने के लिए आपको इंटरेस्ट के तौर पे कुछ पैसे बढ़ाकर 2 साल बाद आपको देती है, जो कि घर पे रखने से नहीं होता। अगर आप घर पे रखेंगे तो वो 2 साल बाद देखेंगे, 4 साल बाद वो उतने ही होंगे, लेकिन बैंक में रखने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। क्रेडिट एलिजिबिलिटी नहीं होती है घर में, मींस अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपको किसी से कुछ लेना है या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि आपको कुछ खरीदना है तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी देना पड़ेगा, लेकिन बैंक एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसे हम क्रेडिट लोन कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास खाता है उस बैंक का तो वो आपको लोन देगा, वो आपको पैसे देगा और आपकी डेबिट में पैसे जैसे ही आएंगे वो उससे खुद भुगतान कर लेगा, तो आपको कुछ भी गिरवी देने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जो
अकाउंट होता है, अकाउंट बैलेंस होता है, वही एक तरह से आपके लिए गिरवी हो जाता है। और आप कभी भी इस सेवा का यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट का। आप एक तरह से ये बैंक से लोन लेने के तौर पे हो जाता है, जो आपके डेबिट कार्ड के बैलेंस के ऊपर दिया जाता है। तो ये सारी बातें हुई कि फाइनेंशियल लिटरेसी आखिर होता क्या है और हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत क्यों है, क्या जानकारी हमने प्राप्त की। आप समझ गए होंगे कि ये जानकारी ज़रूरी क्यों होती है और बैंक में पैसे सेव करना क्यों ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को और आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, YouTube पे एंड Pinterest पे। थैंक यू।